मनोज साहब ये जो बात कर रहे हैं, नासिर साहब जो बात कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने कैटेगरी हुकूमत ने बना दी है ए बी सी डी कैटेगरीज और वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी है, उससे कोई इख्तलाफ सर नहीं बनाई है। कैटेगरी असद उमर साहब ने बनाई थी, सिर्फ ए और बी। हमारे साथ मीटिंग जारी रही, अमाद अजहर साहब जब असद उमर साहब जाते रहे तो अमाद अजहर साहब उसके बाद कोई मीटिंग नहीं की अमाद अजहर साहब ने हमसे। अच्छा। ये इधर हुआ है, कौमी असेंबली ने बिल पास किया, ये पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं कौमी असेंबली की बात नहीं कर रहा भाई मेरे, हमारे इस्लामाबाद के लिए ये बिल सिर्फ आर्थिक तौर पे मेरी बात सुनने। एक मिनट जी, एक मिनट जनीजा मेरी बात सुन ले। अच्छा ठीक है, एक मिनट। असद उमर साहब ने बात के लिए जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको फीडिंग हुई है, इन्होंने कोई बात नहीं सुनी आपकी, ये किसी एजेंडे पे हुई है। नासिर साहब किसकी फीडिंग? नासिर साहब मेरी बात सुन ले, मेरी इनको फीडिंग हुई हुई है, इनको खुद कुछ नहीं पता। खुदा के बात कर रहा हूँ, इसमें पंजाब गवर्नमेंट के तीन मिनिस्टर सुन लेता हूँ। नासिर साहब की बात सुन लीजिए। नासिर साहब जी, नासिर साहब कमेटी बनाई गई प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने के जनाब लाहौर के पंजाब के ताजरों के साथ निगोशिएशन करें, उस कमेटी के चेयरमैन थे जनाब मियां असलम इकबाल साहब, उसके अलावा 9 मेंबर और हैं। ठीक है, हो गया। शमशान बुखारी साहब हैं, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब हैं, जिसमें नजीर चौहान साहब हैं, पीआरए के लोग हैं, सीपीआर के लोग हैं, सारे लोग शामिल थे जिनके साथ निगोशिएशन हुई। चेयरमैन साहब से, शब्बर जैदी साहब से ऑनलाइन रब्ता हुआ, 7 घंटे डेडलॉक रहे, बात होती रही, फाइनलाइज हुई, जिसमें उन्होंने 470 कंटेनर जो कराची पे फंसा हुआ था उसको भी पुरानी डेटों में डीएल होने की वजह से रिलीज किया। उसके अलावा 50,000 रुपए से ऊपर जो भी डायरेक्ट फैक्ट्री से बाय करेगा, जो मेन डीलर होगा उसको आईडी देने की जरूरत है, वो भी जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, जो नहीं उसको रजिस्टर होना पड़ेगा पहले, ठीक है जी। ओके, चलो ठीक है। सो आप जो नासिर साहब, मुझे ये समझ आई कि नासिर साहब आप जो हैं, आप जो ट्रेडर्स अलायंस के सदर हैं, आप ये चाहते हैं कि जनाब ऑलरेडी कुछ चीज़ें जो शेप अप हो चुकी हैं, डिसाइड हो चुकी हैं, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं जो इस वक्त स्ट्राइक चल रही है उसकी, ठीक है जी। मेरा सांस ये राणा साहब कि अगर आप स्ट्राइक 4 दिन भी कर देते हैं, 5 दिन भी, फर्क सिर्फ उस बेचारे को पड़ेगा जो डेली वेजेस पे है, ठीक है। इतने मार्केट से खाना कमा के लेके जाना तो नहीं है, आपको ये फिक्र नहीं है, आपको कोई और फिक्र है, आप हुकूमत के साथ मिलके लोगों को खराब करना चाहते हैं, आपको ये फिक्र नहीं है। आप कभी नवाज शरीफ को लोहे का मेडल पहनाते हैं, कभी आप लोग इनको मेडल पहनाते हैं, वो दूसरी बात शुरू हो जाएगी। तो आप जो है नासिर साहब, नासिर हमीद साहब, आप कहते हैं जनाब हड़ताल नहीं होनी चाहिए, और अजमल साहब आप कह रहे हैं जनाब हड़ताल होनी चाहिए और आपने हड़ताल आज की। मैं अजमल साहब ये अगर कहते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी, हमारा मसला हल हो गया था, तो फिर हड़ताल हो कैसे गई? हड़ताल क्यों हो गई अगर मसला हल हो गया था? एक ही बात का जवाब दे दें कि मसला जब आपने हल कर दिया पंजाब में बैठ के पूरे मुल्क का, तो फिर मसला क्या था, क्यों हड़ताल हो गई है पूरे मुल्क पे? आज लाहौर क्यों बंद पड़ा है? ट्रेडर अलायंस क्या कर रहा है भाई? लाहौर बंद पड़ा, मुझे भी तो दिखाओ। चेयरमैन सेनेट